साहिबगंज जिला मुख्यालय से सकरी गली स्थित गधवा पहाड़ में गोड्डा के पूर्व विधायक संजय प्रसाद यादव के प्लांट में ऑफ महालक्ष्मी प्रेशर एंड लॉजिस्टिक के बैनर तले गुरुवार को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद पब्लिक हियरिंग फॉर एनवायरमेंट क्लियरेंस द्वारा ग्रामीण व क्रेशर प्लांट मालिकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राजमहल एसडीओ सह दंडाधिकारी रोशन कुमार ने की। इस बैठक में झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण के रांची और दुमका से आए पदाधिकारियों ने शामिल रहे, जहां बैठक के दौरान क्षेत्र के ग्रामीणों ने पदाधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। जहां पदाधिकारी ने हर संभव मदद करने की बात कही, वही पूर्व विधायक संजय यादव ने कहा कि ग्रामीणों को हर संभव मदद मिलेगी। जो आज कमाने के लिए ग्रामीण दूर शहर पलायन कर रहे हैं, उन्हें अपने ही क्षेत्र काम दिया जाएगा। ग्रामीणों के लिए एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं पूर्व विधायक ने ग्रामीणों के बीच कंबल का भी वितरण किया। मौके पर रांची दुमका के पदाधिकारी व साहिबगंज के जिला खान पदाधिकारी सहित अन्य शामिल थे। दो साल से क्रेशर बंद था, तो विधिवत हम लोग का जो एलवाई मिला हुआ था, तो नियम संगत हम लोग चल रहे थे, तो आज विधिवत प्रदूषण का हेरिंग था और भारत सरकार के हिसाब से रांची हेडक्वार्टर प्रदूषण का स्टाफ आए हुए थे, दुमका से आए हुए थे और साहिबगंज के भी थे, सारे पदाधिकारी एसडीओ साहब थे, लाइनिंग ऑफिसर थे, सारे पदाधिकारी थे और हेरिंग किया, पब्लिकों से पूछा गया कि क्या मैंने इस क्रेशर को चालू करने से क्या क्या क्षति हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है। सभी लोगों ने जवाब दिया बारी बारी से और सभी लोगों का मांग था कि क्रेशर चलने से फ़ायदा होगा, जो गरीब पलायन कर गया है, बाहर चला गया है, उसको रोज़गार मिलेगा और जो उसका नियम वो विधिवत पालन किया जाएगा, प्रदूषण विभाग का जो भी नियम है उसको विधिवत उसको पालन किया जाएगा। कब तक खुलने का आसार है? ये तो अब काफ़ी दिनों से बंद है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, इस दिशा में पत्थर व्यवसायी संघ क्या कदम उठाएंगे? नहीं, हम लोगों ने आग्रह किया और पूरा क्रेशर के जितने भी मालिक थे, सारे मालिक ने भी आग्रह किए हैं कि भाई जो भी नियम संगत है हम लोग फुलफिल करते हैं और हम लोग को परमिशन मिला जाए और इसको चालू किया जाए, क्योंकि गरीबों को रोज़गार मिलेगा। जो आज बाहर अभी देख रहे कि सारे गरीब यही बात बोल रहे थे कि हम लोग के घर में एक मर्द नहीं है, सब बाहर पलायन कर गया है। अभी कोई घटना घट जाता है तो हम लोग को रात बिहार ले जाना में भी आफत है, क्योंकि एक भी मर्द नहीं है। और जब यहाँ क्रेशर फिर चालू हो जाएगा विधिवत, तो निश्चित रूप से रोज़गार मिलेगा, अपने घर में लोग काम करेगा और फिर साथ में बाल बच्चे के साथ रहेंगे। अभी आपने कोई घोषणा किया कि कुछ आप एम्बुलेंस दे रहे हैं क्या? निश्चित रूप से हमने कहा कि अगर मेरा क्रेशर जिस दिन से चालू होगा, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था सबसे पहला, मैं अपने फंड से एक एम्बुलेंस दूंगा इस पंचायत को। और ऐसे भी पहले भी हम लोग कोरोना काल में भी सारे लोगों को भोजन वोजन देने का काम किए हैं और पानी का तो ऐसे खुलेआम हमने बड़ा बोरिंग करा करके फ्री कर दिए थे, जिसको जितना पानी ले जाना है ले जाइए, जब तक गाँव तक हमने पाइप भी दिलवा दिए थे। और जब क्रेशर चालू होगा तो निश्चित रूप से उसी बहाने जो समस्या होगा उसका निदान किया जाएगा, जो लोगों का मांग होगा, गांव वाले का जो डिमांड होगा, जो गरीब गुरुआ का मांग है, उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे, उसको न्याय संगत उसका काम किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के पर्यावरण के लिए से संबंधित जनसुनवाई का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित की गई। इसमें जो जिला के पदाधिकारी DMO हैं, अंचलाधिकारी हैं, आर ओ दुमका से एवं राज्य से पर्यावरण विभाग के कई अधिकारी आए हुए हैं, यहाँ के प्रोपराइटर्स थे। इन लोगों के द्वारा यहाँ के बीच में जनताओं के बीच में तरह तरह की बातें की गई, पर्यावरण से सुरक्षा से संबंधित उनको पहले समझाया गया और क्या क्या इस जगह पर इनको और सुविधाएं चाहिए, यानी कि इनको चूँकि CSR फंड से भी 2% इनको खर्च करनी है, तो कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे डिमांड रखे, रोजगार से संबंधित डिमांड रखे और पानी से रखें, बिजली से रखें और मेडिकल से संबंधित रखें, कुछ प्रशासनिक भी डिमांड भी इनकी थी, तो प्रशासनिक वाला पार्ट हम लोग अपनी तरफ से कर लेंगे और हमने अपने अंचलाधिकारी को आदेश दे दिया है कि वो जो भी प्रशासन से रिलेटेड है उसका तुरंत निष्पादन करते हैं। जैसे कुछ लोगों ने बोला कि TB की प्रॉब्लम है तो हमारे मेडिकल टीम तुरंत एक्टिव हो जाएगी, मैं यहाँ से अभी फ़ोन कर दे रहा हूँ मेडिकल डिपार्टमेंट को कि यहाँ पर आकर के डॉक्टर्स हैं वो कैंप करेंगे और जो जाँच करके अगर TB का अगर कोई पेशेंट पाया जाएगा तो उसका समुचित इलाज कराया जाएगा सरकार की तरफ से। कब तक खुलने का आसार है सर यहाँ? माइंस खुलने के संदर्भ में तो अभी ये NGT ये जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के हैं ये अभी समीक्षा करेंगे और जब ये NOC दे देंगे तो ये उनके CTO मिलने के बाद ही। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।